Hi everyone, welcome again to the channel Psych Learning. My name is Deepika Oli, as you know, and we are here doing day 13 of our series which we have took up, jisme hum 15 days mein we have to complete the statistics from start to finish, from basics to complex, and dheere dheere hum basics se complex par aa chuke hain. To abhi tak ki sari videos I hope aapne dekh li hongi, nahi dekhi hain to koi baat nahi, go to the YouTube channel. सब्सक्राइब इट, टर्न द नोटिफिकेशंस ऑन, क्योंकि अभी भी वीडियोस और बाकी हैं और फ्यूचर में वीडियोस आएंगी तो आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी. और सारे डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, सारी नॉलेज होने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है पुरानी वीडियोस को देखना. उसी के बाद आप समझ पाएंगे सारी चीज़ों को. जो आपको कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, वो आपको उन वीडियोज से पता चल जाएगा. हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके रिस्पेक्टिव टॉपिक्स मैंशन है, तो आप वहाँ जाकर उनमें कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कि आपको कौन सा टॉपिक दोबारा देखना है. ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव टू डू टुडे. तो आज की डेट में हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू व्हाट इज मानवाइटनी यू टेस्ट, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल फॉर स्मॉल सैम्पल, फॉर मॉडरेटली लार्ज सैम्पल, एंड फॉर द लार्ज सैम्पल. ठीक है, तीनों के लिए हम ये चीज़ें करने वाले हैं. एंड ये बहुत ज़्यादा इजी है, जैसे लोगों को लगता है कि बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत इजी है, बहुत बेसिक है, ये आप आराम से कर सकते हैं. बट जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड बी विथ अस टू द लास्ट ऑफ द वीडियो. बने रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानवाइटनी यू टेस्ट होता किस लिए है. तो हमें पहले तो ये समझना है कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. अब पैरामेट्रिक टेस्ट की जो कैलकुलेशंस हैं वो हमने इसी चैनल पे इसी सीरीज में करी है, अनोवा टी टेस्ट, कोरिलेशन, हर चीज़. तो उसे के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, आप जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, सो दैट आपको पता लग जाए कि हाँ ये सारा पैरामेट्रिक है, जो भी आपकी डाउट है वहाँ से क्लियर हो जाए. उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे इसमें मानवाइटनी में, जो कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है. और ये ऑल्टरनेटिव है किसका, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का. जब आपको इंडिपेंडेंट टी टेस्ट कहीं पर करना होता है जिसमें दोनों पॉपुलेशंस डिफरेंट हैं, अब आप बोलोगे इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या है, तो वो आप टी टेस्ट की वीडियो में जाके देख सकते हैं. वहां से हमें जो ऑल्टरनेटिव होता है, जब हमारी पैरामेट्रिक अजम्पशंस मीट नहीं होती हैं, तो हम वहां पर मानवाइटनी यू टेस्ट लगाते हैं. सो इट इज एडिकेटली विद द वेरिएबल्स दैट आर कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट ऑल्सो. क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है, तो डेफिनेटली इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके लिए इंटरवल डेटा ही होना चाहिए. ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स में भी काम करता है, स्मॉल सैंपल में काम करता है. ये लेस पावरफुल है जैसे कि मीडियन टेस्ट या विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है, लेकिन स्टिल इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर दो सैंपल एक पॉपुलेशन से निकाले होते हैं, बट वो दो अलग होते हैं. जैसे एक क्लास में से मैंने 10 बॉयज़ और 10 गर्ल्स निकाले, तो मैंने वो अलग अलग निकाले एक सैम्पल से, बट दोनों इंडिपेंडेंट हैं. उस तरह के टेस्ट में हम इसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा विद रिगार्ड टू इट्स मीडियन. क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि पैरामेट्रिक टेस्ट हमेशा मीन के साथ डील करता है, लेकिन मीडियन के साथ जो डील करे वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट या नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव ऑफ दैट टेस्ट. समझ आ गया, आई होप इट्स क्लियर. इफ नॉट देन यू कैन लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड इफ यू अंडरस्टूड इट देन ऑल्सो प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन, सो दैट इट बूस्ट आर मोटिवेशन एंड आई गेट एन इन्फॉर्मेशन दैट ओके आप कुछ कर रहे हो. ठीक है, देन वी हैव, सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल सैम्पल के लिए. तो क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल काउंसलर है जो जेंडर का डिफरेंसेस स्टडी करना चाहते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी में. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे जो है 8 से लेस पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें लेस देन 8 पार्टिसिपेंट हैं. 5 मेल्स लिए ए नाम दिया और 5 फीमेल्स लिए उनको बी नाम दिया, और उनके स्कोर यहाँ पर लिखे 5 मेल्स के 5 फीमेल्स के, टोटल 5 एंड 5 10 हो गया. नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस फर्दर, अब देखो सबसे पहले हम एक नल हाइपोथेसिस सोच के चलते हैं कि मेल्स और फीमेल्स में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव एंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस हमने हाइपोथेसिस वाली क्लास में किया था. तो पहले हम देखेंगे मेल्स एंड फीमेल्स में क्या डिफरेंसेज हैं. नाउ वी आर अरेंजिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय मेल्स एंड फीमेल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. हम क्या करेंगे, जो टोटल स्कोर्स है मतलब सारे 10 के 10, इन सब में से, और इन सब में से सबसे छोटा स्कोर कौन सा है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर उसके बाद फीमेल्स का 10. तो ऐसे ही जिसका जो स्कोर है हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. अब जो स्कोर बॉयज़ का है उसके आगे हमने ए लिखा, और जो स्कोर गर्ल्स के हैं उसके आगे हमने बी लिखा. समझ गए, हमने ये मेंशन कर दिया. अब उसके बाद क्योंकि ये स्मॉल सैम्पल है, तो इसमें यू निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है. आप देखो इसमें हम निकालेंगे यू और फिर यू डैश. तो यू कैसे निकाला जाता है, एक एक पॉपुलेशन के लिए निकाला जाता है,
क्योंकि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग नंबर ऑफ एज फॉलिंग बिलो नंबर ऑफ बीज. तो यहाँ पर सबसे पहला बी कौन सा आ रहा है, अगर आप चलते जाओ सबसे पहला बी आ रहा है 10 पे. तो 10 पे जो बी है उससे पहले कितने एज हैं, देर आर 3 एज. ओके समझ आ गया. फिर अगला जो बी है आप यहाँ से आगे चलो, अगला बी आ रहा है 12 पे. 12 से पहले कितने एज हैं, एक ये 1 प्लस ये 3 4. फिर हम बात करेंगे अगले बी की विच इज 14 पर है जो बी, उसके पीछे कितने ए हैं इफ यू काउंट 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 है. उसका अगला है 16 पर बी, 16 बी से पीछे भी ओनली 5 एज हैं. एंड 17 बी से पीछे कितने एज हैं, अगेन 5 ही है. तो ये वाली जो वैल्यूज आएंगी इन्हें हम ऐड कर देंगे एंड वी आर गेटिंग 22. ठीक है, अब हमने किया था स्कोर्स ऑफ ए फॉलिंग बिलो बी. अब हम उल्टा फाइंड करेंगे कि स्कोर्स ऑफ बी फॉलिंग बिलो ए और यू डैश निकालेंगे. तो अगर हम ए 5 की बात करते हैं, आई एम सो सॉरी मैंने यहाँ टेबल अलग से नहीं लगाया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके देखते हैं आप देखिए. ठीक है, लेट्स चेंज द पेन. देखो अगर हम ए 5 लेते हैं, सबसे पहला जो यहाँ पर है वो ए है, इसके पीछे कोई भी बी नहीं है तो देर आर 0. अगला जो ए है उसके पीछे कोई बी नहीं है, 0. नेक्स्ट के आगे भी कोई बी नहीं है, 0. ठीक है, फिर इसके आगे एक बी है, ओनली 1, तो यहाँ पे आया 1. फिर इस ए के पीछे जो है वो 2 बी है तो आया 2. तो ऐसे ये वैल्यू आ गई. अंडरस्टूड? नहीं समझ में आया तो यू कैन टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ डिफरेंट वीडियो, बट अदरवाइज आई हैव एक्सप्लेन इट इन अ वेरी नाइस वे. अब मैं इन सबको ऐड करूंगी तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ 3. अब यू की वैल्यू मेरे पास 22 आई है एंड यू डैश की वैल्यू 3 आई है. अब एक और फॉर्मूला है जिसके अकॉर्डिंग यू प्लस यू डैश को N1 मल्टीप्लाई N2 होना चाहिए. N1 और N2 क्या है, पॉपुलेशंस हैं. ओके, तो U1 और U2 क्या है, 22. अगर आप देखो 22 प्लस 3 शुड बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5. और अगर आप देखो तो ये इक्वल है, दिस इज ऑल्सो 25 एंड 22 प्लस 3 इज ऑल्सो 25. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको एक यू पता है तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे लाइन में करके दिखाया, आप इसे देख सकते हो, है ना. अगर एक यू डैश नहीं पता, सपोज मान लो सपोज यू डैश एक्स है, तो उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बस उसको वहाँ पे जाके माइनस करना है. अगेन उसके बाद आपको बस टेबल देखनी है और उस वैल्यू के हिसाब से आपको फाइंड करना है. अब बस एक ट्विस्ट यहाँ पर है कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में पैरामेट्रिक से उल्टा होता है. जैसे कि पैरामेट्रिक टेस्ट में अगर हमारी वैल्यू बड़ी आती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर हमारी वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आई है तो यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. पैरामेट्रिक में जब हमारी वैल्यू बड़ी आती है टेबल वैल्यू से, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. लेकिन अगर ऐसा नॉन पैरामेट्रिक में होता है तो हम हाइपोथेसिस को या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. समझ गए? सो हम इसमें एक्सेप्ट करेंगे. फिर हम बात करते हैं मॉडरेटली लार्ज सैंपल. तो एक रिसर्च कैरी आउट हुई कि दो अलग अलग तरह से लेक्चर और ग्रुप डिस्कशन से पढ़ाया जाएगा तो किस तरह के मार्क्स आ रहे हैं. तो आप देख सकते हैं एक ग्रुप में 11 लोग हैं, एक ग्रुप में 9 लोग हैं, 11 एंड 9. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले रैंकिंग करेंगे. अब ये रैंकिंग जो चीज़ें हैं ये मैंने कोरिलेशन में पीछे स्पीयरमैन में सिखाई हैं, तो आप वो जाके देख सकते हैं. बट इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे छोटा मार्क्स है उसको 1 देना है, जो उससे बड़ा है उसको आगे का नंबर देना है 2. लेकिन क्योंकि जो 2 है वो 3 चीजों में आया हुआ है, ठीक है, ठीक है. अच्छा नहीं, 2 ये है, सॉरी. हाँ मैं आपको बताती हूँ 3 चीजों का ये कैसे होता है, एक्चुअली आई विल एक्सप्लेन यू जल्दी से, मैं आपको बताती हूँ. तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3 ये हो गया, एंड देन वी हैव 4. अब उसके बाद 5 एंड देन 6 एंड देन 7, इस तरह से हम उसे डिवाइड करते हैं. ठीक है, हमने इस तरह से इसको किया. उसके बाद जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये टाइड रैंक्स हैं, तो आप यहाँ पे डेसिमल्स में वैल्यू लिख देते हो क्योंकि ये 51 है और ये 51 सेम लोगों के मार्क्स हैं. तो आप अगर देखोगे यहाँ पर सो आपको क्या मिलेगा, 8 एंड वी हैव 9 एंड वी हैव 10. दो रैंक्स एक जैसी है, तो 9 प्लस 10 करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, उससे आपको 9.5 मिलेगा. अब उसके बाद अगर आप आगे देखो तो जो आपकी रैंक्स हैं 9 10, ठीक है, फिर 11 12 13, उसके बाद यू हैव 14 15 16, 3 रैंक सेम है, तो 14 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपकी टाइड रैंक आ जाएगी 15.
ठीक है, इसको डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वो कोरिलेशन वाली क्लास देख सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे आगे समझाना है तो मैं इतना ही बता रही हूँ। बेसिकली ये समझना है कि जहां पर एक से ज्यादा लोगों के स्कोर एक जैसे आ जाते हैं, तो उनकी रैंक्स को हम आगे एड ऑन करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं 51 में बताती हूँ। 51 में कैसे है कि 2 51 थे तो एक पे 9 आ रहा था, तो अगले पे 10 आएगा, तो 9 और 10 को ऐड किया, फिर उसको क्योंकि 2 थे तो 2 से डिवाइड किया। यहाँ पर यू हैव, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव 14, वी हैव 15 एंड वी हैव 16। तो तीन चीज़ों को हमने प्लस किया एंड डिवाइड बाय 3 किया, तो वी गॉट 15। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हो, एन मल्टीप्लाई एन प्लस 1/2। इससे आप चेक करोगे और एन टोटल 20 है ना, क्योंकि 9 एक में है, 11 एक में, तो 20 हो गया। उससे आपका वैल्यू 210 आना चाहिए। यहाँ पर भी देखो 119 प्लस 91 कितना होता है, 210। तो मतलब आपने सही किया है, इससे आप चेक कर सकते हो। फिर आपके पास यू का डायरेक्ट फॉर्मूला है, एन वन एन टू प्लस एन वन एन वन प्लस 1/2 माइनस सिग्मा आर वन, यानी जो आर वन की ये वाली वैल्यू है। आप आराम से यू निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के थ्रू, और यू डैश का भी सेम फॉर्मूला है, बस यू डैश जो है वो एन टू के लिए है, तो यहाँ एन वन की बजाय एन टू आता है, और ये सिग्मा आर वन जो है वो सिग्मा आर टू आता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी वैल्यूज आपकी आराम से निकल आएंगी, बिकॉज सारी वैल्यूज आपने निकाली हुई है, एन वन 9 है, एन टू 11 है, उसको पुट करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो एंड यू विल गेट बोथ द वैल्यूज। उसके बाद आपके पास ये यू डैश का सॉल्वेशन है। ठीक है, फिर आपके पास यू आ गया 46, यू डैश आ गया 53। उसके बाद जब आप टेबल पर चेक करोगे, आपकी वैल्यू 46 आई है, बट टेबल पर जो वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है, तो अगेन आपकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। समझ में आ गया, सिंपल मेथड है। जहां भी नहीं समझ में आया, पॉज कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मेथड कैसे लिखा है। फिर बात करते हैं लार्ज सैंपल के लिए। तो लार्ज सैंपल के लिए क्या किया जाता है, अगेन रैंकिंग की जाती है एक साथ, वील डू रैंक वन एंड रैंक टू। इस तरह से हमने इसमें रैंकिंग करी कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा सबसे कम है, फिर उसको हम चेकिंग करेंगे 820 से, तो वैल्यू सही आ रही है 820। उसके बाद हम सेम वैसा ही फॉर्मूला लार्ज सैंपल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यू का फॉर्मूला एंड देन यू डैश का फॉर्मूला। U की वैल्यू हमारे पास आ गई एंड देन U डैश की वैल्यू आ गई, सो वी गॉट 224 एंड 116। उसके बाद से हम क्या करते हैं, टोटल U एंड U डैश नीड्स टू बी एन वन एंड एन टू। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होता है कि हम Z वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, फिर Z वैल्यू की वैल्यू जो होती है वो अगर टेबल से, फिर हम Z वैल्यू चेक करते हैं 0.05 लेवल पे, लॉन्ग में ये, क्योंकि अब आप देखो ना 284 और 116 तो टेबल से चेक नहीं हो पाएगा, तो उसे हम Z वैल्यू के थ्रू फाइंड करते हैं। एंड देन उसमें वैल्यू अगर हमारी ऐसी आ रही है कि जैसे Z वैल्यू 2.27 है, जो उससे लेस आ रही है, तो वी विल सिंपली रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, और ऐसा नहीं है अगर तो हम फिर उसे रिजेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आ गया, अंडरस्टूड। सो दिस इज इट अबाउट द लॉन्ग सैम्पल एंड द शॉर्ट सैम्पल। आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कमिंग टिल हेयर। आई एम वेरी ग्लैड यू आर हेयर एंड यू अंडरस्टूड एवरी टॉपिक। जो आपको समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आया आप वो मुझे बता सकते हैं, और किसी टॉपिक के लिए प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून, टर्न द नोटिफिकेशन ऑन, न्यू वीडियो विल कम सून।